गुड इवनिंग स्टूडेंट। शाम का समय, इस टाइम में आपको वीडियो आपका ये 2.6 एक्सरसाइज है, इसके लिए वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा देखें, इसमें पैटर्न है। क्या है पैटर्न? पैटर्न मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्क करना। तो मैं एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। यहाँ देखो एक्सरसाइज 2.6, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिखाई दे रहा? ओके, अब देखो स्टेप, देखो इसका क्वेश्चन देखो। 1 × 1 आया, 11 × 11 121 आया, यानी 1 2। उसके बाद फिर हम नीचे 1 पे आ गए। नेक्स्ट क्या है? 111 × 111, तो क्या है 1 2 3, 3 तक हम बढ़े तो 3 1 है। और उसके बाद हम वापस कहाँ आए? 2 1। ऐसे नेक्स्ट इसे इसको नोट करो, 1 मैं आपको बताता हूँ, 1 × 1 क्या आया? 1 1 2 1 1, यानी इतने टाइम ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 2 और टाइम है तो हमारे पीछे हो गए। अब ये 3 है, 1 2 3 2 1, क्लियर। अब 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आएगा? 1 2 3 4, 4 से फिर वापस आ जाएंगे 3 2 1, क्लियर। ऐसे 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 तक ले जाएंगे, फिर माइनस नीचे ले जाएंगे, 4 3 2 1। आया समझ में? यही पूछ रहा है इसमें, ये क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है, 2 स्टेप पूछ रहा है। एक 1 स्टेप में अपनी तरफ से कर देता हूँ, जैसे 6 1 1 1 2 6 टाइम है ना, ये 1 1 6 टाइम, क्लियर। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5 6, 6 से भी नीचे ले जाएंगे, 5 4 3 2 1, समझ गए? तो ये पैटर्न के अनुसार हमने ये सॉल्व किया। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, पहले इसको, ओवरसेट द फॉलोइंग पैटर्न एंड एक्सटेंड इट टू 4 मोर स्टेप। कितने? 4 करने हैं आपको, क्या करने हैं? 4 स्टेप करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 7 × 2 − 3, यानी 7 × 2 = 14, माइनस 3 तो 11 आया, 7 × 3 = 21, 6 = 15 आया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। अब नेक्स्ट इसमें हम, ये लास्ट है, 7 × 5 − 12 = 23, यानी 7 × 5 = 35, 12 हमने माइनस किया, क्या आया? 23। ऐसे इसको नेक्स्ट आगे ले जाएंगे तो 7 × 6, ठीक है, 7 × 6 माइनस 12 तो क्या जाएगा? 15, क्योंकि 3 6 9, 3 + 6 = 9, 3 + 12, 3 × 5 = 15, क्या आएगा? 15 इजिकल टू क्या आएगा? हमें निकाल रहे हैं, सॉल्व करेंगे तभी निकालेंगे। तो 7 6 = 42 माइनस 15 क्या आया? 23, क्या आया? 23, क्लियर। ट्वेंटी थ्री डिफरेंस है कितने का? 4 का, दिखाई दे रहा है? 11 15 4,
19 में 4 का डिफरेंस, 23 में 4 का डिफरेंस, ऐसे ही 23 और 27 में डिफरेंस। तो ये फोर्थ टाइम का निकालना है, वन टाइम हुआ, नेक्स्ट सेकंड टाइम 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा, क्या आएगा माइनस 18। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सॉल्व कर लेंगे इससे, 49 माइनस 18 इजिकल टू क्या जाएगा आपका 31, क्या आएगा 31। जैसे यहाँ 27, यहाँ क्या आएगा 31। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 21, ओके। और से अगले बढ़ेगा तो 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस 24, तो आप सेल्फ कर लोगे, ठीक है। स्टेप से टू स्टेप मैंने बता दिए, तो टू स्टेप आप सेल्फ करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओवर फॉलोइंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे सॉल्व किया है, पहले इसे समझाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। ये 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या आया 9। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, ये तो डिजिट यही रहेगा इसमें, यानी कि अब 1 था तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए 3, प्लस 1 तो क्या जाएगा 8 3 था 24 1 25। अब इसमें 3 का डिफरेंस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 क्या आया 24 और 1 48 और 149। उसके बाद फिर आप 4 का डिफरेंस करेंगे, 10 आया प्लस 1 ये 81। ये आपको सामने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई 15 5 डिफरेंस लेंगे प्लस 1 क्या आएगा 121, क्या आएगा 121। अब क्या करेंगे हम, किसका डिफरेंस लेंगे 821 प्लस 1, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 8 बन जाए 8 16 और प्लस 169 क्या आएगा 169। तो ऐसे टू स्टेप और करोगे, क्या करोगे आप टू स्टेप, अभी 21 ने 6 किया था, अब 7 प्लस करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 28 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस करोगे तो 28 और 8 36 प्लस 1, आप सो रहा है टू स्टेप स्टेप से ही आपको करने हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, इसमें यह करना है देखो, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, इसको भी स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स, ओके। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, 1 8 प्लस 1 9। अब हम क्या करेंगे, 1 2 पैटर्न में 8 आ गया प्लस यहाँ 2 कर देंगे, क्या करेंगे 2 98। अभी क्या गया 1 2 3, हाँ देखो 1 2 3 मतलब 8 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 987। अब 3 स्टेप करने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, ओके। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो,
वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई एट, नाइन एट प्लस फोर, क्या प्लस फोर, तो यह क्या आएगा नाइन एट सेवन सिक्स, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो देखो नाइन एट सेवन सिक्स पैटर्न में आ रहा है। अब क्या आएगा नेक्स्ट में, वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई एट प्लस फाइव, तो आप सीधे लिख सकते हैं नाइन एट सेवन सिक्स फाइव, ओके। तो यही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको टू स्टेप मैंने बताया, थ्री स्टेप आप सेल्फ सॉल्व करोगे आगे तक, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज क्लियर आपकी, एक्सरसाइज कर फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी, एक्सरसाइज चैप्टर भी नया आएगा आपका, ओके। चैप्टर थ्री स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए हैं स्टेप मैंने बताए, स्टेप आगे सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ चैप्टर नंबर थ्री के साथ मिलता हूँ, और नोटबुक में जरूर नोट करें, इनको सॉल्व करने के बाद नोट करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना एक साथ वर्क नहीं करना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ चैप्टर नंबर थ्री के साथ।